লোচাইপাহৰ নিৰ্বাচনৰ বতৰ আৰু সাত নৱেম্বৰত যিহেতু চল্লিছখন বিধানসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব এই লৈ পেলাই বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ক্ৰীড়া নিযোজক বিজেপিৰ মিজোৰামৰ ইনচাৰ্জ হিচাপে দিয়া হৈছে তেওঁ ইতিমধ্যে প্ৰায় এমাহ ডেৰমাহ ধৰি মিজোৰামত বাহৰ পাতি আছে আৰু বিভিন্ন সমষ্টিত তদাৰকে কৰি আছে আৰু ক'ত ক'ত কোন কোন হেভি ৱেইট কেম্পেইনে তাত কেম্পেইন কৰি पार्टी सकी कर स्ट्रेटेजी बनाए या बाहर पाती है पुनपत जान क्या चल रहा है सर कितना कितना जीतने का आशा है देखिए आशा लेकर के तो हम लोग चल रहा है कोई भी राजनीतिक दल जब चुनाव लड़ता है तो जीतने के लिए लड़ता है और सरकार में आकर के लोगों का सेवा करने के लिए ही हम लोग चुनाव में उतरते हैं लेकिन परिस्थिति ऐसा है मिजोरम में हम पूरा कैंडिडेट नहीं दे पाया और कुछ हद तक कांग्रेस पार्टी और ये जो कम्युनिस्ट वाले हैं इनका एक गैंग है इन्होंने अनाप शनाप यहाँ लोगों का दिमाग में जहर फैला के रखा हुआ है कि बीजेपी ईसाई जो क्रिश्चियन है इनका खिलाफ है आदिवासियों का खिलाफ है इस तरह का तो उसको सफाई करने में टाइम लग रहा है मुझे लगता है कि हम लोग इस चुनाव के बाद मजबूत से उभर के आएंगे और अगले चुनाव तक हम मिजोरम का मुख्य दल बनकर के उभर सकते हैं यहाँ के लोग देखिए आदिवासी जो होते हैं वो थोड़ा भोला होता है सीधा होता है और उसको आसानी से घुमाया जाता है उनके सोच विचार को गलत मैसेज फैला करके अब कांग्रेस पार्टी को बीजेपी के बारे में और कुछ कहने के लिए है नहीं काम के क्षेत्र में हमको मुकाबला नहीं कर सकते हैं और जो सरकारी तंत्र को किस तरीके से चलाना है भ्रष्टाचार का खिलाफ कैसे काम करना है वो हम लोग जानते हैं हम लोग क्लीन गवर्नमेंट चलाता है नौ साल पार हो गए एक मंत्री को एक रुपया का करप्शन चार्ज नहीं लगा ऐसा सरकार पृथ्वी में नहीं मिलेगा सिर्फ भारत में नहीं कि नौ साल पार हो गया किसी मंत्री के खिलाफ एक आरोप नहीं लगा पाया इस तरह का हम हमारा सरकार चल रही है तो हमारा खिलाफ कुछ बोलने के लिए नहीं है तो वो है एंटी क्रिश्चियन है एंटी ट्राइबल है आर्टिकल थ्री सेवेंटी वन हटा देंगे हमारा खान पान रोकेंगे इस तरह का बेहुदा बातें जो फैला के यहाँ के लोगों का दिमाग को घुमा के रखा है उसको साफ करना है हम लोग करेंगे जैसे कि मैं जब बीजेपी में आए थे हमारे पास भी लोग आते थे कहते थे कि आप इतना पढ़ा लिखा इतना आप तेज तर्रार एक छात्र होते हुए आपका भविष्य क्यों खराब कर रहे हैं बीजेपी कोई फ्यूचर नहीं है बीजेपी में जा करके के आप एमएलए नहीं जीतेंगे ग्राम पंचायत में नहीं जीतेंगे ऐसे बातें बोला लेकिन हम लोगों ने काम किया मेहनत किया आज मैं चुनाव इतने साल से मैं सात चुनाव लड़ चुका हूँ सात चुनाव लड़ने के बाद मैं कह सकता हूँ कि अब हमारा वहाँ कोई इस तरह का प्रोपोगेंडा काम नहीं करेगा लेकिन मिजोरम में अभी थोड़ा मेहनत करना होगा तो ये परिस्थिति है फिर भी हम अच्छा सीट इस बार जीतने का अवस्था में है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मिजोरम को एक नई दिशा देने में कामयाब होगा उसके लिए हमको अच्छा संख्या में एम सीट जीतना होगा और हम इस बार लोगों का जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके अच्छा संख्या में सीट जीत के आएंगे ऐसा हमारा उम्मीद है सर पीपल किसी पार्टी के साथ नहीं किया है आप लोग। और दोनों सीट में कंटेस्ट कर रहा है। देखिए मिजोरम एक ट्राइबल स्टेट भी है और यहाँ सीट भी कम है चालीस सीट है और चालीस सीट में अलायंस तो नॉर्मली बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ जो दो रीजनल पार्टी हैं मिजोर नेशनल फ्रंट और जोराम पीपल्स मूवमेंट इनका रीजनल एजेंडा है रीजनल सेंटीमेंट को लेकर चल रहा है लेकिन हम ये मानते हैं कि रीजनल सेंटीमेंट को पूरा राष्ट्रीय पार्टी कर सकते हैं मिजोराम का जो लोगों का सपना है उनका अपेक्षा है आकांक्षाएं है उनके ज़रूरत चीजें हैं वो पूरा भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सर, सरकार जो चल रही है वही पूरा कर सकते हैं मैंने पूछा है मीडिया से यहाँ जब बात किया था कि मिजोरम को जितना समस्याएं हैं हाईवे बनाना है यहाँ फैक्ट्री लगाना है इन्वेस्टमेंट लाना है बॉर्डर ट्रेड लगाना है कि ये मिजो नेशनल फ्रंट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं यहाँ जो, जो जोराम पीपुल्स मूवमेंट है वो सिर्फ छोटा छोटा काम कर सकते हैं लेकिन भविष्य को बदलने का काम कौन कर सकते हैं मोदी जी कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी कर सकता है बड़ा सपना देखोगे तो बड़ा काम करना होगा बड़ा काम कौन कर सकता है बीजेपी कर सकता है कांग्रेस पूरा नॉर्थ ईस्ट से खत्म है अब बीजेपी रह गया तो ये सारा चीजों को लोगों के माइंड में पहुंचाना बहुत जरूरी है और ये बातें हमने लोगों के सामने में ले गई है मैं जहां जहां गया हूं और जिस जिस लोगों से मैंने बात किया है सबने ये कहा कि ये बात जो आप कह रहे हैं ये लोगों को समझ में आना जरूरी है और मिजोरम का भविष्य के लिए ये अत्यंत आवश्यकता है इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा बात मोदी जी का जो कार्यक्रम सोच को लोगों तक तो पहुंचाना जरूरी है कांग्रेस का क्या होगा सर में कांग्रेस का कुछ नहीं होगा क्योंकि उसका नेता ही बुद्धिहीन है कांग्रेस पार्टी का जो नेता है एक परिवार से आते हैं अपने आप को राजा समझते हैं भारत का वो विदेश में जाकर के भारत के विरोधी ताकते हैं उनसे तालमेल करके काम करते रहते हैं जब राहुल गांधी अमेरिका जाता है यूरोप जाता है उसका सारा खर्चा उसका बैठक मीटिंग कार्यक्रम पूरा जो इस्लामी फंडामेंटलिस्ट ग्रुप प्रो खालिस्तानी जो एंटी इंडिया फोर्सेस है वो सब अरेंज करते हैं उसका और वो आदमी यहां आकर के अपने आप को कांग्रेस का नेता बोलता है ये तो अफसोस की बात है कोई और देश होता उसको क्या हालत होना था हमारे देश के भारतीय लोग ज्यादा अच्छा है जरूरत से ज्यादा अच्छा है कि राहुल गांधी जैसे को हम सहन कर रहा है ये जो देश विरोधी इतना खुले हम देख रहे हैं वो पाकिस्तान का भाषा बोलते हैं चीन का भाषा बोलते हैं और उसको हम सहन कर रहे हैं ऐसा नेता बहुत अफसोस की बात है कि हमारे देश में दौड़ दौड़ के काम कर रहे हैं मिजोरम में आकर के उल्टा सीधा बातें करते हैं फिर बाहर जा कर के बोलते हैं कि कम ट्राइबल कम पॉपुलेशन है कम पैसा देना है जितना आबादी उतना हक जाति सेंसस करो पैसा पॉपुलेशन हिसाब से बांटो फिर ट्राइबल एरिया में आता है और बोलता है कि यहाँ वो ध्यान देंगे कैसे ध्यान देंगे ट्राइबल पहाड़ इलाका में तो बहुत कम लोग रहते हैं तो ये आदमी कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं है किसी विदेशी एक पत्रकार ने ठीक ही कहा कि कांग्रेस पार्टी जब तक राहुल को आगे ठेलते रहेंगे उतना ही कांग्रेस का बर्बाद होते रहेगा तो हमारा उसमें कोई परे नहीं कांग्रेस बर्बाद हो तो और भी अच्छा है देश के लिए लेकिन हमारा आउटलुक वो नहीं है हमारा आउटलुक ये कि हमारा पार्टी किस तरीके से मजबूत से देश सेवा में काम करे और अच्छा सीट जीतने के लिए जनता का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करते रहेंगे वो हमारा प्राथमिकता है सर में कैंपेन के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब आएगा क्या प्राइम मिनिस्टर साहब आने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ का इंचार्ज है अभी पार्टी का इलेक्शन इंचार्ज है हमने पूरा तय किया है कि हम सीमित कम सीटों में हम लड़ रहे हैं उसके लिए जो पर्याप्त कैंपेन करने का हम सब कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का आवश्यकता होगा तो बुलाएंगे लेकिन अभी जो हमारा कैंपेन है प्रधानमंत्री जी का प्रतिनिधि मैं कर रहा हूँ मैं आज ट्राइबल समाज का सीनियर मिनिस्टर हूँ कैबिनेट मिनिस्टर हूँ मैं जो बोलता हूँ मोदी जी के तरफ से ही तो मैं बोलता हूँ तो मैं ही रिप्रेजेंट करता हूँ आज राज, राजनाथ सिंह जी आए हमारे कैबिनेट में नंबर टू सीनियर है पूरा अध्यक्ष हैं फिर हमारा नड्डा जी आए वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने दो, विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया और कई मंत्री आ रहे हैं तो हमारा नितिन गडकरी जी सीनियर मिनिस्टर फॉर्मर पार्टी प्रेसिडेंट हैं आके रैली करके गए हैं तो इसमें पर्याप्त है हम लोग कांग्रेस का तो जो अपना वजूद नहीं है तो इसलिए वो पीएम मोदी को कोसने के लिए हर चीज़ वो कोशिश करते हैं तो उसका जवाब देने का जरूरत नहीं है हम अपना हिसाब से हम काम करेंगे और मोदी जी का विचार को लेकर के ही हम जा रहे हैं लोगों के पास